दोस्तों फिलहाल अगर किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री। और टाइगर थ्री ने अपने रिलीज से पहले ही जो बस क्रिएट किया है, जो हाइप बनाई है, वो वाकई शानदार है, क्योंकि फिलहाल फिल्म की एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ चल रही है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने इंडिया के अंदर, ओवरसीज के अंदर बहुत तगड़ा पैसा कमाया था। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 की जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग थी, इंडिया ओवरसीज सभी मिला के वो कितनी हुई थी, और साथ ही साथ बात करेंगे टाइगर 3 अपने फर्स्ट डे पर जब 12 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो अपने पहले दिन ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में कितनी ओपनिंग करने में कामयाब रहेगी, कौन सी फिल्म आगे चलेगी, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप रॉकिंग स्टार यश को और सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 की, क्योंकि मैं इस फिल्म की जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो KGF चैप्टर 2 का कंपैरिजन जरूर किया जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड है जो अभी तक भी नहीं टूट पाए हैं। 2 साल बीत चुके हैं लेकिन KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं और इसी वजह से रिकॉर्ड टूटने नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन यहां पे अगर बात करूं मैं KGF चैप्टर 2 की, तो रॉकिंग स्टार यश, सरनिधि शेट्टी और संजय दत्त इस फिल्म में हमें अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने और फिल्म का बजट मात्र 100 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिल्म को पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पर रिलीज किया गया था। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर यह फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा और मलयालम, ओवरसीज में। इसके अलावा ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो ओवरसीज का और इंडिया का मिला के जो टोटल स्क्रीनें थी ना KGF चैप्टर 2 के पास, वो थी लगभग 12,000 स्क्रीनों पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। और फिल्म ने अपने फर्स्ट डे के लिए जो ओपनिंग की थी ना वो बहुत बहुत तगड़ी की थी, क्योंकि फर्स्ट डे की जो एडवांस बुकिंग हुई थी, मैं आपको बताता चलूं कि 36 करोड़ रुपए की फिल्म ने फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग की थी। और फिल्म की जो ओपनिंग हुई थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में यानी कि हिंदी भाषा में फिल्म KGF चैप्टर 2 को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था, तो यही वजह रही थी कि फिल्म ने हिंदी भाषा में अपने पहले दिन 55 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम, तो KGF चैप्टर 2 का जो ओपनिंग डे नेट कलेक्शन था वो 115 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 130 करोड़ रुपए था। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए थे अपने पहले दिन 35 करोड़ रुपए और कुल मिला के KGF चैप्टर 2 अपने पहले दिन पूरे वर्ल्ड में 165 करोड़ रुपए की ओपनिंग करने में कामयाब रही थी, जो कि काबिले तारीफ थी। लेकिन दोस्तों फिलहाल बात करूंगा मैं टाइगर 3 की, क्योंकि टाइगर 3 रिलीज होने जा रही है दिवाली के खास मौके पर 12 नवंबर को। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं लेकिन फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि दिवाली का दिन है, त्योहार का दिन है, तो लोग कम ही जाएंगे फिल्म देखने के लिए, लेकिन जिस तरह से टिकट बिक रहे टाइगर 3 के, मुझे लगता है कि टाइगर 3 की एक बड़ी ओपनिंग होने वाली है। टाइगर 3 की अगर बात करें तो ये एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म में सलमान खान के साथ इमरान हाशमी, कटरीना कैफ अहम किरदारों में होंगे, तो वहीं शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का भी स्पेशल कैमियो हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिलहाल फिल्म की ओपनिंग की, तो जिस से एडवांस चल रही है, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग को आज इंडिया के अंदर पांचवा दिन चल रहा है, तो एडवांस बुकिंग बहुत ताबड़तोड़ हो रही है हर जगह पे। तो फिल्म की जो ओपनिंग है टाइगर 3 की, मैं अपना प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूं, थोड़ा बहुत इधर इधर हो सकता है, टाइगर 3 इंडिया के अंदर जो ओपनिंग करेगी, मैं कहूंगा कि कम से कम 50 करोड़ रुपए की ये फिल्म नेट ओपनिंग करने वाली है। और फिल्म का जो ग्रॉस होने वाला है ना वो 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होने वाला है। ओवरसीज से फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 50 करोड़ रुपए कमाने वाली है। तो कुल मिला के मेरा जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि टाइगर 3 की जो ओपनिंग होने वाली है वो कम से कम 110 करोड़ रुपए रहने वाली है। तो पहले दिन तो KGF चैप्टर 2 से ये जरूर पीछे रहेगी, लेकिन टाइगर 3 का जो नेक्स्ट डे होने वाला है ना मंडे, वो बहुत खास होने वाला है। यहां पे सभी फिल्में पीछे छूटने वाली है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 या सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, मतलब जब आप फिल्म देख लोगे तो ये जरूर बताना कि इन दोनों फिल्मों में आपको सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म कौन सी लगी है। थैंक यू।